वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम लोग गांधी मैदान में आए हैं। क्यों आए हैं आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हम इसके लिए आए हैं। और आपको इसको देखने के लिए आपको हमें देखना होगा और हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे सारा इसका एक्सप्लोर करके। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बिहार वासियों को बिहार स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये देखिए यहाँ पे जो है सो रात में लग रहा है कि सारा कुर्सी को जो है सो एकदम अच्छा तरीका से जो है सो तोड़ दिया गया है या टूट गया है, मुझे नहीं पता। बाकी आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे अंदर में जो है इस टाइप से पूरा नाइट शो जो है उसके लिए जो है सो सारा व्यवस्था कर दिया गया है। और बाकी ये इधर आप देख सकते हैं कि सारा चेयर जो है सो अच्छी तरीके से टूटा बिखरा पड़ा है और इसको एक तरफ साइड में कर दिया गया है। चाचा वहाँ पे कुर्सी कैसे टूटा वो सब? देखिए यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था। हाँ इधर बताइएगा। प्रोग्राम चल रहा था ना जी? प्रोग्राम चल रहा था तो एक कुर्सी पर दो तीन आदमी बैठ के। अच्छा तो इसके वजह से और कुछ हंगामा नहीं हुआ था ना? नहीं। चलिए ठीक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ जो है सो चाचा जी हैं वो CCTV लगा करके उतर रहे हैं और जगह जगह पे यहाँ पे निगरानी के लिए जो है सो CCTV लगाया गया है और सारे जगहों पे CCTV लगाया गया है। और ये पूरा जो है सो गांधी मैदान में इस तरह से प्रोग्राम है। यहाँ से लगभग हज़ार के आसपास जो है सो चेयर लगाया गया, VIP और VVIP चेयर जो है सो आगे वहाँ लगाया गया स्टेज के सामने। लेजर कटिंग मशीन जी, ये वाला मशीन हो गया, इससे जो है सो किसी भी प्रकार का जो है डिजाइनिंग को जी उसमें जो है खुद का फेस का क्रिएट कर सकते हैं उसमें। एंड व्हाट इज़ द प्राइस दिस? फ्री वहाँ वो बताते हैं। अच्छा आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? चेन्नई। तो ये चाइना माल है? जापानीज है वो उधर, वो जापानीज हो गया। वो बेल्डिंग है, वो बेल्डिंग का है ना वो? सॉरी भैया बेल्डिंग का हो गया वो? दैट इज़ फॉर इंडस्ट्रियल रोबोट्स। अच्छा इंडस्ट्रियल। बताइए इसको। ये वाला इंडस्ट्रियल रोबोट्स, वाला इंडस्ट्रियल रोबोट्स, दैट इज़ अ हैंडलिंग, दैट इज़ फॉर बेल्डिंग, दिस इज़ अ मॉडल नंबर AR1440 जी। कैन यू यूज द मल्टीपर्पज़? कैन यू बी यूज जस्ट आई वॉन्ट चेंज द एंड इफेक्ट। ओके जस्ट आई फिक्स द सम ड्रिल बिट मींस इट्स विल बी ड्रिल, आई फिक्स द एनी कटिंग मशीन इट्स विल बी कट, आई वॉन्ट असेंबल योर मोबाइल मींस इट इज विल बी असेंबल योर मोबाइल, जस्ट आई वॉन्ट द टीच द प्रोग्राम। ये देखिए यहाँ पे मिट्टी का जो है सब खूबसूरत डिजाइन बनाया गया था और यहाँ पे कोई बुद्धिजीवी लोग आ करके इसको जो है सो बर्बाद करके चले गए। ये देखिए ये भाई साहब जो है सो इसको ठीक करने में लगे हुए अभी। आपको कैंप दिख रहा होगा, ये छोटा छोटा जो है तंबू हर जगह जगह पे जो है सो बनाया गया है ताकि आप जो है थक जाए तो इसमें जा करके बैठ जाए, और भी बहुत सारा कारण हो तो आप उसमें जा करके बैठ सकते हैं। और यहाँ पे जो है सो नल जल का जो है सो व्यवस्था किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष 2023 में जो है सो बिहार का 111वां बिहार स्थापना दिवस मनाया गया है। जो है ऑर्गेनिक वेस्ट जितने भी हमारे जगह हमारे बाग बगीचे में जैसे केला का थूम है उसका ये बना हुआ है पेंटिंग, केला का थूम का बना हुआ है। हाँ फिर धान का पुआली का जो वो बुरादा होता है उससे उसको यूज किया गया है, नीचे वो पेंटिंग लगा हुआ है। और ये देखिए इसको नीचे दिखाइएगा। हेलो जी बताइए। ये तुम्हारा डब्बा सफोला और इसका आता है ना अर्जुन का जो होता है अर्जुन का, हाँ उससे बनाया हुआ है ये। 16-60 हो जाएगा ये सूप हम लोग छठ में यूज करते हैं, उसके बाद फेंका जाता है तो उसको हम लोग पेंटिंग करके उसको ये कलाकारी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि घर में कोई भी चीज जो बेकार है रीयूज रिसाइकिल कीजिए। और वैसे भी कहा जाए तो बिहार में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। बिहारी लोग यूज करना जानते हैं, बिहारी लोग तो हर चीज को एकदम घसघस के यूज करते हैं। गौरव संभव करके एक कंपनी है जो ई कचरा से वो है आलम जी, वो ई कचरा का रिसाइकिल करके ये बताएंगे। ये साजिद आलम नाम हुआ मेरा, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको हम
हम लोग प्रॉपर चैनल में जा कर के प्रॉपर रिसाइकिलिंग करवाते हैं, जिससे अगर आप किसी कबाड़ी में देते हैं ई वेस्ट को तो वहाँ उसका प्रॉपर डिकम्पोज नहीं हो पाता है। हमारे चैनल के थ्रू हम लोग ई वेस्ट को प्रॉपर चैनल में रिसाइकिलिंग करते हैं और फिर से उसको यूज़ करते हैं। ये हमारा बोरिंग रोड चौराहा कुमार टावर में कलेक्शन सेंटर है, वहाँ अपने ई वेस्ट को ला के दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हम लोग उसको रिसाइकिलिंग के करते हैं। आप लोग का क्या वेबसाइट चलता है? हम लोग का ऐप भी है जी। और नाम बताइएगा आपका। करो संभव, स्पेलिंग बता दीजिए। KARO SMBHA। प्ले स्टोर पे मिल जाएगा फ्री है? मिल जाएगा। और आपका चैनल होगा यूट्यूब पे? नहीं, यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं है, आप गूगल करेंगे तो गूगल पे भी मिल जाएगी करो संभव, वहाँ जाके आपको डिटेल्स मिल जाएगा। हाँ, टोल फ्री नंबर है, वहाँ जाके आप कॉल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ला के दे भी सकते हैं। हमारे कलेक्शन के लिए डोर टू डोर ई वैन भी चलती है, उसमें भी आप दे सकते हैं। हर सैटरडे को बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से हमारी ई वैन चलती है, आप उसमें हम लोग को ई वेस्ट दे सकते हैं कुछ भी। मैंने क्यों ना वो CVRN सूट से केमिकल बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल जब इमरजेंसी होती है किसी प्रकार की इमरजेंसी, देन उस दौरान जो हम IP पहनते हैं इंडिविजुअल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, उस इक्विपमेंट का जो है वो लेआउट है, वो जो लगा हुआ है वो परमेबल सूट उसको कहते हैं। उस सूट का इस्तेमाल जब कोई केमिकल या कोई बायोलॉजिकल जब इमरजेंसी होती है उस दौरान एक रेस्क्यूअर जब उस फील्ड में काम करने के लिए जाते हैं तब उस सूट का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ में SCBS सेट लगा हुआ है जिसका मतलब होता है सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपरेटस, उसमें नेचुरल एयर होता है और उस एयर के माध्यम से उस कंटेंट लेने में जो प्रॉब्लम होता है, नेचुरल एयर जो हवा में, जो जिस हवा में भी सांस ले रहे हैं वही एयर जो है उस सिलेंडर में भरा होता है और उस कंटामिनेटेड एरिया में उसी सिलेंडर के। और लगभग कितने देर तक वो चलता है, कितने घंटों तक चलता है? वैसे तो उसकी जो टाइमिंग है वो लगभग 40 से 50 मिनट 45 मिनट की कैपेसिटी है, बट वो रेस्क्यूअर जो जाते हैं वो उनके ब्रीदिंग रेट पे भी निर्भर करता है कि वो कितनी तेज़ी से सांस लेते हैं। अगर वो नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे देन वो मैक्सिमम टाइम 45 मिनट तक टाइम बिता सकते हैं, और जल्दी जल्दी सांस लेंगे देन उसमें जो है वो 30 मिनट तक सांस लेने के ऊपर जो है सो डिपेंड करता है कि कितना जल्दी। हाँ, वो कितने जल्दी मात्रा ख़त्म हो सकती है। हाँ। ये देखिए यहाँ पे जो आर्टिफिशियल पेड़ बनाया गया है ये सारा जो है सो थर्मोकोल का ही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे पास आ करके इसको जो है सो दिखाइए आप, और चारों तरफ से देख सकते हैं इस पे कुछ बच्चे लोगों का जो है सो स्टाफ से जो है सो तस्वीर लगाया गया है। और ये किस लिए बनाया गया है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। अभी हम लोग जो है सो पर्यटन विभाग के अंदर जाने वाले हैं और देखेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ खास है, तो चलिए अंदर चलते हैं और फिर देखेंगे। चलो फास्ट आओ ना। ये देखिए यहाँ पे जो है सो कुछ रेड कलर का वो पत्थर का बनाया हुआ था, ये कुछ बचा हुआ है सब टूट करके कुछ है, बाकी का हिस्सा जो तोड़ दिया गया है वो कुछ रहता तो आपको हम दिखा सकते थे। बाकी आप अगर इसको जानते होंगे तो कमेंट करके बताइएगा ये क्या चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो है सो महाबुद्धि मंदिर का जो है सो ये पूरा सीन दिया गया हुआ है, और ये हो गया नालंदा विश्वविद्यालय जो ये उसका कुछ पार्ट का हिस्सा जो है उसको दिखाया गया है। और यहाँ आइएगा इधर और हम आगे चलेंगे और यहाँ पे देखेंगे लछुआर जैन मंदिर, ये यहाँ पे लछुआर जैन मंदिर बनाया गया है, ये मुझे नहीं पता कहाँ का है। ये कहाँ का है भैया बता सकते हैं? ये पता नहीं है। आपको भी नहीं पता? ये कहाँ का है मंदिर इधर इधर देख के बताइएगा। पता नहीं, आपको भी नहीं पता है? आपको पता है? आप बता ये मंदिर के बारे में? हमको नहीं पता है इसलिए पूछ रहे थे। नहीं पता, हम बस वीडियो शूट कर रहे थे तो हमको लगा आप लोग को पता होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पे कुछ चीज़ था उसको साइड जो है सो डैमेज कर दिया गया है या डैमेज हो चुका होगा तो उसको बंद कर दिया गया है। बाकी ये जो है ग्लास ब्रिज है ये आप जानते होंगे, ये राजगीर का है, राजगीर में जो है सो इस टाइप से जो है सो ग्लास ब्रिज बनाया गया है, आप वहाँ गए होंगे तो इस चीज़ के बारे में ज़रूर जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं, और ये सारा चीज़ जो है सो थर्मोकोल का ही डिज़ाइनिंग किया गया है, जितना भी कलाकारी है वो सारा जो है सो थर्मोकोल पे ही किया गया है। देव सूर्य मंदिर को
ये दिखाइए यहाँ, ये हो गया आपका देव सूर्य मंदिर, और ये हो गया शेर शाह सूरी का मकबरा, ये क्या है वो है, और उसके बाद इसको आप जानते होंगे अभी। ये जो है जैसे आपको वर्षा होती है ना, आपकी वर्षा नापने की यंत्र है ये, ठीक है। पहले के ज़माने में ऐसे होता था, बारिश होती है, बारिश होने के बाद जो है इसमें पानी भरती है ना, फिर सुबह जाके कोई इस मेशरिंग टेप में, इस मेशरिंग बीकर में जाके ये पानी डालते हैं, फिर देखते हैं कि कितना बारिश हुआ है। जो आपकी न्यूज़ में बताते हैं ना कि आज इतने वर्षा हुआ, आज इतना वर्षा हुआ करके, ये होती है इसमें से, ठीक है। ये पहले के ज़माने में होता था, आजकल जो है ये ऑटोमेटिक यंत्र है, स्वचालित है। इससे इसके द्वारा क्या होगा, जो आपका जो टिपिंग बकेट यहाँ पे दिख रहा है, आप जैसे आपके जो टिपिंग बकेट का है एक वॉल्यूम है, इसका एक वॉल्यूम है, तो ये एक बार टिप होगा कि मतलब है कि ये होगा 15 mm, इसका कैलिब्रेशन किया हुआ है। 15 mm हो सकता है, 20 mm हो सकता है, 25 mm हो सकता है, तो एक टिप मतलब 25 mm, ठीक है। तो जितने बार ये टिप होगा उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि आज इतना वर्षा हुआ है। तो ये यंत्र जो है पूरे बिहार में हर ब्लॉक में, हर पंचायत में लगी हुई है ये, जिसके द्वारा हम बताएं। कैसे कह सकते हैं कि हर ब्लॉक हर पंचायत में हम लगाए, ऐसा भी हो सकता है ना। देखिए इधर आइएगा फर्स्ट में, ये जो है जी हमने लगाए हैं इसका जी। हम इसलिए बता सकते हैं क्योंकि इसको हमने लगाए हैं। ये हर ब्लॉक में है, ये हर प्रखंड में है, और ये जो है हर पंचायत में है जी। तो इसके अंदर लगा हुआ है, इसके लगाने की क्या है, और एक और यंत्र है हमारे पास जो है ये जी। इसके द्वारा सिर्फ वर्षा नहीं, हम क्या कहते हैं हवा की गति है ना, और फिर सूरज की किरणों की तेज, और फिर तापमान, आरएच, आर्द्रता सब मेजर करते हैं, जिसके द्वारा हम बताते हैं कि आज कितना वर्षा हुआ है, आज की तापमान क्या है, आज कितना आर्द्रता कितना हुआ, ये सब है जो नॉर्मल जो जितना मौसम की क्या है सारा पैरामीटर्स है। अब इसके द्वारा हम क्या कहते हैं आपको पूरी बिहार में, पूरी पूरी बिहार में बाढ़ की, मौसम की, मौसम संबंधित जितना भी डिजास्टर्स है ना, वो सारे हम यहाँ पे मॉनिटर करके आप जब होने से पहले ही आपको बताने के, आम जनता को बताने के लिए ये हम बना रहे हैं। और ये बिहार सरकार द्वारा स्थापित एक स्थापना है। कब किया गया था ये? 2 साल पहले इसका स्थापना हुआ है, यानी अभी 2023 है, तो 2019 में, या 2018 बोल सकते हैं, 2020 में, 2020 में हुआ जी, 2020 में स्थापित हुआ है, और उसके बाद से तब से हम ये सब कार्य काम कर रहे हैं। हमारा ऐप जल्दी ही, हम रोज़ रिपोर्ट बनाते हैं जो सारी सरकारी कार्यालयों में जाता है, और उसके अलावा हमारी ऐप अभी बन रही है, डैशबोर्ड जो ऑलरेडी चल रही है आप उधर देख सकते हैं, जो डैशबोर्ड चल रही है, एक बार इस कैमरा उधर घुमाइएगा, कैमरा उधर घुमाइए, डैशबोर्ड जो है उधर चल रहा है, वो जो डैशबोर्ड के द्वारा आपको हर 15 मिनट में यहाँ की तापमान, आप कहीं पे भी हो, आपका कहीं का भी तापमान उधर देख सकते हैं। अभी वो चालू है जी, उधर चालू है, ये उधर चालू है, हमारा ऐप जल्दी ही बनेगी, और आखिरी इसमें हम सोशल मीडिया सारे व्हाट्सएप में, ट्विटर में, फेसबुक में, सब में ये जो है, ये सारे जो बन रहा है ये आम जनता को सीधे उनके हाथ में पहुंचेगा। वो तो मैं मोबाइल पे भी आता है ना, वो टेम्परेचर जो आ जाता है स्क्रीन के ऊपर, तो वो जो है बाहर की ये है, ये जो है हमारा बिहार सरकार की होगा। अच्छा, बिहार सरकार की बनेगी। और आखिरी इसमें हम यहाँ पे सहायता केंद्र बनाने वाले हैं जो 24 घंटे चलेगी। आपको मान लो कि आपको कहीं पे जाना है, आप फ़ोन करके पूछेंगे कि मुझे गया जाना है, गया की तापमान कैसी है, क्या मैं अभी जा सकती हूँ, बारिश कैसा है, आप ये पूछेंगे हमसे, हम आपको सीधा बताएंगे कि कैसा है, आप जाने लायक है नहीं है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन। नहीं तो किसान को सुबह सुबह जाना है, खेत में जाना है, क्या मैं क्या कहती हूँ अभी उगाने के लिए ठीक है मौसम, तो वो पूछेंगे तो हम बता सकते हैं उनको कि मौसम कैसा है। तो इसके द्वारा क्षेत्र में जहाँ बहुत बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र में, जैसे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ऊर्जा की हो गया, क्या कहते हैं एग्रीकल्चर के हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, हेल्थ में, मौसम की जैसे जैसे हेल्थ की गड़बड़ होती है, तबीयत खराब होती है, वो सब की ये यहाँ पे हम जांच करके आम जनता को सीधे बताएंगे। ये देखिए यहाँ पे जो है सुरात में जो है सब प्रोग्राम होता है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कलाकार लोग आते हैं, सिंगर लोग आते हैं,
और तीन दिन का यहाँ रहता है, 22, 23 और 24 तक तीन दिन का यहाँ जो है सो प्रोग्राम किया जाता है, मेला लगता है। और तीनों दिन अलग अलग जो है सो यहाँ पे सिंगर लोग आते हैं, एक्टर लोग आते हैं और जो भी है। इसमें क्या है ना कि हमारा एक घर का मॉडल है, जिसमें हमारे घर में हम क्या करते हैं कि अपने घर के ऊपर वाले सतह को प्लास्टर नहीं करते हैं, मतलब आपने सिर्फ सीमेंट से आपने उसको प्लास्टर किया दिया होता है, इसमें कोई पेंट नहीं होता। सूरज का प्रकाश जब इस पर पड़ता है तो इस तरीके का जो घर होता है वो अंदर से ज़्यादा हीट हो जाता है, तापमान ज़्यादा हो जाता है। और वहीं जब इस तरीके का घर हम बनाते हैं, और इस घर में हमने ये देखा कि हमारे घर के ऊपर वाले जो सतह है इसको अगर आप सफ़ेद रंग का पेंट करते हैं, चूना लगाते हैं, या फिर आपने सफ़ेद टाइल्स लगा दिया हो, तो इसकी वजह से आपके घर के अंदर का टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल लो होता है। ये कंपेयरिंग दिस, अगर इसमें आपने प्लांटेशन किया है तो इससे आपके घर का भी फायदा होता है और साथ ही साथ हमारे क्लाइमेट का। यही वजह होता है कि आपके घर जो है तो दिन में जो हीट पड़ती है आपका, ये वाला घर रात तक गर्म होता है, यानी कि हमारा घर रात में 10 बजे तक क्यों तपता रहता है, उसकी वजह है कि आपका घर इसके रेजिलिएंट नहीं है। इस चीज़ को इस तरीके से बनाने पर तब आपका ये घर आपका हीट जो है वो कम करता है, ये रीज़न। इस वजह से हम इस तरीके के टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। जब भूकंप आता है या तो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है जी, तो उसमें विक्टिम फंस जाते हैं, आदमी फंस जाते हैं, तो उसको निकालने हैं तो SDRF की टीम जाती है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और इस सभी का मदद इस उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए हम उसको निकालते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले विक्टिम लोकेटिंग कैमरा है, वो उनके बारे में उनसे शुरुआत कीजिए, वो बताएंगे आपको। ये क्या बोल रहे हैं? ये देखिए, यहाँ पर जो सिस्टम रखा हुआ है इसका नाम है विक्टिम लोकेटिंग कैमरा, समझे ना। ये विक्टिम लोकेटिंग कैमरा, अगर कोई बिल्डिंग भूकंप के दौरान कोलैप्स हो गया है या कोई निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गया हो जाता है, हाँ जी, अगर कोलैप्स किसी तरह कोई निर्माणाधीन बिल्डिंग भी गिर गया, उसके अंदर कोई विक्टिम अगर फंसा हुआ है, उसके अंदर के लोकेशन की स्थिति, उसकी अंदर की स्थिति के बारे में हम लोग जानेंगे कि विक्टिम कहाँ पर फंसा हुआ है, किस हालात में है, इसको सर्च करने के लिए हम लोग इस विक्टिम लोकेटिंग कैमरा का यूज करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जिस जगह पर बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है, जो रूम वाला एरिया है उसमें कोई विंडो वगैरह है या नहीं, अगर विंडो होगा तो उसके अंदर से कैमरा को डाल देंगे, अगर विंडो नहीं होगा तो उस दीवार में इस तरीके से सर्कुलर टाइप का इस तरह का होल बनाएंगे, गोल, और उसके अंदर कैमरा को डाल देंगे। और फिर उससे फिर क्या करेंगे कि इस कैमरा को यहाँ से जो है लेफ्ट और राइट कर करके उसके कैमरा को मूव कराया जाता है, और पूरे रूम के लोकेशन के बारे में देखा जाता है कि कहाँ पर विक्टिम फंसा हुआ है। जब उसके एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, तब हम लोग इस तरीके का एक ट्रायंगुलर शेप में एक होल बनाते हैं, और उसके अंदर फिर रेस्क्यूअर जाता है, और रेस्क्यूअर जा करके फिर उस विक्टिम को बाहर निकालने का काम करता है। अभी तक कितना परसेंट इसका जो है उपयोग हो चुका है इसका जी? इसका तो हम लोग जब भी भूकंप में ज़रूरत पड़ा है हम लोग यूज किए। और कितने सालों से जो है सो इसमें प्रक्रिया चालू है? ये VLC का इसका निर्माण कब हुआ था? क्या VLC का निर्माण? VLC का निर्माण तो बहुत पहले हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ जो है बिहार में SDRF का जो गठन हुआ जी, तो गठन के बाद इसका आया थी, लेकिन पहले NDRF जो है इसका पहले से ही यूज कर रही है हमारे यहाँ। अगर कहीं पे जो है तो ऐसा कोई गांव में हो जाता है, जैसे कोई एरिया है, छोटा एरिया हो जाता है, स्मॉल एरिया, तो वहाँ पे विलेज में जो है तो वो किस टाइप से आपको खबर मिलता है वहाँ? विलेज में जो है, हमारे विलेज में कुछ इस अगर आपके विलेज में कुछ हो जाएगा और अगर हम तक खबर पहुंचानी है तो सबसे पहले आप अपने CO साहब से संपर्क करेंगे, CO साहब हमको सूचना देंगे, CO साहब को पता होता है कि SDRF की टीम कहां पर है। यह जो है कारितास इंडिया के तत्वाधान में लगाया गया स्टॉल है, यहाँ ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है तड़ित चालक के का सिस्टम है, इसे हम लोग नॉर्मली तरीके से इसका निर्माण किए हैं, इसमें अपने ही रिसोर्स से इसका निर्माण करके हम लोग वज्रपात से बचने के लिए लोगों में अवेयरनेस कर रहे हैं। जो बिजली का जो झटका होता है, बिजली का जो गिरती है के मौसम में, हाँ, ठंड का जो ठनकता है उसी से बचाव का ये यंत्र बनाया गया है। ये जो की प्रकार से करता है, ये जो है यंत्र, ये साइकिल के रिंग, जो साइकिल जो है ना उसके रिंग से बनाया गया है, और इसमें ज्यादा खर्च नहीं है, समथिंग 1200 से 1800 रुपए के बीच एक्सपेंस आएगा, और अपने ही संसाधन से इस यंत्र को बनाया जाएगा, और इस यंत्र को बनाने के बाद अपने मकान से 1.5 फीट के अंतराल पर इस यंत्र को लगाया जाएगा,
अगर भविष्य में किसी अगर ठनका का प्रकोप होता है तो वो जो है यंत्र जो है एग्जॉर्ब करके जमीन के अंदर समाहित हो जाएगी, उससे माल मवेशी घर इत्यादि की क्षति नहीं हो पाएगी। इसीलिए इस यंत्र को इस प्रदर्शनी में प्रस्तुत करके लोगों के बीच अवेयरनेस का काम किया जा रहा है, लोग इसका अनुपालन करें और अपने जीवन को सुव्यवस्थित रखें, इसी पे काम किया जाए। बिहार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिहार जो है वो ठनका से ज़्यादा प्रभावित हो रही है और मुख्य रूप से पहले जो आपदा थी वो फ्लड था, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि इस बार का जो 2 साल का रेशियो निकाला गया है उसमें ज़्यादातर मौतें ठनका से हो रही है। इसीलिए ठनका पे अवेयरनेस करके और लोगों को ठनका से बचाव हेतु जागरूकता फैलाया जा रहा है। बिहार में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? बिहार में सबसे अच्छा समावेशन, जैसे एक दूसरे का जुड़ाव, कोऑपरेशन का भावना बिहार में मुझे अच्छा लगता है। आपका नाम क्या हुआ? अतिंद्र पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? बेतिया के। देखिए अभी हम लोग जो है जो बिहार यातायात पुलिस वाहन में जो है सो आए हुए थे और यहाँ पे जो है सो उसमें से 5 सवाल पूछा जाएगा इसमें से। ये चारों तरफ जो है सो घूमने के बाद इसमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन का आंसर भी इसी में दिया गया है और इसमें से जो है सो 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 क्वेश्चन में से अगर 4 का आप जवाब दे दिए तो आपको ये वाला एक बैच मिलता है और ये एक जो है सर्टिफिकेट कह सकते हैं वो मिलता है। तो हमको मिला भाई साहब, हम हो गए खुश और ये है हमारे साथ संजीत, इसका बहुत बड़ा योगदान है इसमें।